दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पूरी दुनिया में छा गए हैं। एस जयशंकर के बयान इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने जवाब तो इंग्लिश में दिया था, मैं आपका दोस्त उन सब जवाबों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उनके कहने का क्या मतलब था। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका में दिए गए उनके बयानों ने आज पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया है। लोगों को विदेश मंत्री एस जयशंकर का नो नॉनसेंस एटीट्यूड बेहद पसंद आ रहा है, यानी सीधी बात, नो बकवास। अमेरिकी दौरे पर गए एस जयशंकर ने अपने जवाबों से लोगों को अपना फैन बना लिया है। चाहे ह्यूमन राइट्स के इशू पर बोलना हो या रशिया से ऑयल इंपोर्ट का क्वेश्चन हो, एस जयशंकर के जवाब शानदार थे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एस जयशंकर ने एक्चुअल में कहा क्या था जवाब। पहले आप उनका जवाब सुने, फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। मानव अधिकारों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। लोग हमारे बारे में अपने विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपना विचार रखने का हक है। हमें उन हितों के अलावा लोबियों और वोट बैंक पर भी बोलने का अधिकार है जो इन्हें हवा देते हैं, तो जब भी इस बारे में चर्चा होगी हम इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। Tell you that we also take have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर भी हमारी राय है, इसमें अमेरिका भी शामिल है, तो अमेरिका में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर हमारे पास भी कहने के लिए है, खासकर जब इनका संबंध हमारे समुदाय से हो। तो ये था जवाब एस जयशंकर जी का अमेरिकन मीडिया को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई ट्रांसलेशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।